एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करने के पहले उनके क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस ईयर, एंड काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बिकॉज ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, सो आई कुड अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस. तो ये एक मेजर डिसाइसिव फैक्टर था एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेने के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे थे. एंथ्रोपोलॉजी की एक डिमांड है डायग्राम्स बनाना. सो इफ़ यू थिंक दैट आपके अंदर वो कैपेसिटी है डायग्राम्स अच्छे से बनाने की, या आप वो कैपेसिटी इस जर्नी में फॉर्म कर सकते हैं अपने अंदर, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. एंथ्रोपोलॉजी हैज़ वेरी लिटिल ओवरलैप्स विद द सोसाइटी पोर्शन इन GS1, एंड डेफिनेटली दैट हेल्प. लाइक फॉर सोसाइटी आई वॉज वेरी सिक्योर कि सोसाइटी तो अच्छा होएगा ही होएगा, बिकॉज आई हैव रेड इट सो थरली इन एंथ्रोपोलॉजी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और जगह इतने ओवरलैप्स नहीं हैं. अगर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपको समझना है कि आपको वो सूट कर रहा है या नहीं, या आपको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आएगा, तो देर इज़ अ बुक नेम्ड इन सर्च ऑफ आर सेल्व्स. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. इट इज़ नॉट अ बुक जो कि आपको एग्जाम में एकदम 100% बाय हार्ट लर्न करनी हो या ऐसा कुछ. इट इज़ लाइक इट गिव्स अ काइंड ऑफ ओवरव्यू अबाउट द सोशल एंथ्रोपोलॉजी एस्पेक्ट. और मुझे वो बुक अच्छी लगी एक इनिशिएटर के लिए के तौर पे, एक बिगिनर के तौर पे, एंड आई हैड रेड इट वाइल बिगनिंग माय प्रिपरेशन, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया हुआ था एंथ्रोपोलॉजी के बारे में. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू. वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज़ दैट आप टॉपर्स के आंसर कॉपीज देख सकते हैं उस ऑप्शन की. थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि जैसे आंसर लिख रहे हैं क्या हम लिख पाएंगे या नहीं, उस तरह से क्या हम वैसे डायग्राम्स बना पाएंगे.